खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन। अमेठी परीक्षा में फीस को लेकर प्रबंध तंत्र और छात्रों में जमकर हुआ बवाल, आधा दर्जन छात्र घायल। जिले के मुसाफिरखाना क्षेत्र के राजीव गांधी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में सोमवार को प्रैक्टिकल परीक्षा में अवैध वसूली को लेकर प्रबंध तंत्र व छात्रों के बीच जमकर हंगामा हुआ। छात्रों का आरोप है कि प्रबंधक ने बाहरी गुंडे बुलाकर स्कूल में बंधक बनाकर छात्रों की पिटाई की। पुलिस के पहुँचने पर मामला शांत हुआ। कस्बे के राजीव गांधी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में सोमवार को आईटीआई फाइनल वर्ष की प्रैक्टिकल परीक्षा होनी थी। छात्रों का आरोप है कि उनसे एनसीवीटी को बताकर ली गई एडमिशन फीस और एससीवीटी की दिलाई जा रही है परीक्षा। इतना ही नहीं, प्रबंध तंत्र व छात्रों में ₹5,000 फीस की अधिक मांग को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। छात्रों का आरोप है कि प्रबंधक कमेटी के बुलावे पर दर्जन भर अराजक तत्वों ने छात्रों को स्कूल परिसर में ही दौड़ा दौड़ा कर पीटा, उनको आईटीआई कक्ष में बंधक बना लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बंधक छात्रों को छुड़ाकर घायल छात्रों का मेडिकल कराते हुए मामला दर्ज किया है। इस दौरान करीब आधा दर्जन छात्रों को गंभीर चोटें आई हैं। एक छात्र को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। प्रभारी निरीक्षक अवधेश कुमार ने बताया कि छात्रों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रबंधक पक्ष के 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बाइट छात्र डॉक्टर अभिषेक गुप्ता, अमेठी से जिला संवाददाता समर बहादुर सिंह। उनको बाहर रखे थे, हम पैसा शुरू में पूरा जमा कर दिए। कौन थे मरने वाले? नहीं, ये अमित कुमार दुबे है, ये प्रबंधक। इनके ये 25-30 लौंडे बुलाए रहे हैं, हम क्लास में हमको मरवाए हैं। ये सर जो सर में चोट लगे, जरा नीचे करो तो। हाँ सर, बस ठीक, चलिए आ जाइए। बैठो। क्या नाम भैया आप? विजय विक्रम सिंह। आप क्या, आज का क्या मामला हुआ? सर हमें पर 1 तारीख को फोन करके बताया गया था कि आप 4 तारीख को प्रैक्टिकल का एग्जाम देने के लिए आप मुसाफिर खाना आइए, राजीव गांधी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मुसाफिर खाना। सर हम यहाँ पे आए, सर यहाँ पे हमारी है, यहाँ पे सर हमें बताया गया कि आपने 30,000 रुपये जमा किया, 2,000 रुपये आप और जमा कीजिए, आपका जो फीस बकाया है आप उसे जमा करिए। हमने कहा सर आप हमारा एग्जाम दिलाइए, हमारा 4,000 रुपये बाकी है, हम जब प्रवेश पर जब आप हमें मार्कशीट देंगे तब हम आपको 4,000 रुपये दे देंगे, क्योंकि आपके पास हमारी मार्कशीट है। उसके बाद में सर इन लोगों ने 2-3 लोगों को हमारे साथ ही उन्हें अंदर कर लिया। हम लोग बाहर खड़े थे तो बोले आप लोग आ जाओ अंदर। उसके बाद में सर जो लोग अंदर गए थे उन्हें भी मारा पीटा है, उनको किसी चीज़ से मारा है, उनके सर भी खुल गए हैं और सर ये हमारे हाथ भी टूट गए हैं, यहाँ से सर पैर में फ्रैक्चर है, गर्दन पे है सर, हमारे यहाँ बोन्स के पास है और दोनों पैरों में चोट लगी है सर। उसके बाद में सर जब इन लोगों ने हमें मारा पीटा, हम लोग फिर सीधे सर यहाँ आए थे सिलाए। सर हम लोगों को एनसीबीटी के नाम सर आईटीआई हमारा एडमिशन हुआ सर। सर 2 सेमेस्टर हमारा पेपर सर जगदीशपुर में करवाएगा, रामलीला मैदान में सर। उसके बाद सर जब हम लोगों को पता चला कि सर फर्जी आईटीआई है, जब टीचर के ऊपर सर हम लोग ऑब्जेक्शन किए तो वो लोग वहाँ से ट्रांसफ़र करके हम लोग यहाँ पर लेकर आए सर, राजीव गांधी आईटीआई मुसाफिर खाना सर। उसके बाद जब सर 3रा सेमेस्टर हम लोग पेपर दिए तब भी यही बवाल हुआ था, तब भी सर ये लड़के बुलवाए थे मारवाने के लिए। तो हम लोग सर बोले कि हम लोग मार करने नहीं, हम लोग पेपर करवाइए, हम लोग यहाँ झगड़ा लड़ाई करने नहीं आए। उसके बाद सर पेपर हुआ, फिर 4th सेमेस्टर फिर सर वही हाल हुआ। एक आज में बोल रहे थे सर, आज हम लोग आए सर प्रैक्टिकल के लिए हम लोग बुलाया गया सर। उसके बाद सर बोले कि आप लोग जिन लोगों की फीस जमा है उतने लोग पेपर देंगे और आप लोग सब वापस चले जाए। तो हम लोग सर बोले सर हम लोग 18,000 सर फीस जमा है, 24,000 फीस फिक्स हो चुकी है। हमने कहा सर 6,000 की बात है, आप लोग हमारा पेपर करवाइए, हम लोग मार्कशीट मिलेगी तो हम 6,000 के बदले 7,000 दे देंगे, लेकिन हम लोग विश्वास हो कि हाँ हकीकत ओरिजिनल मार्कशीट मिलेगी सर। उसके बाद हम लोग सर बाहर खड़े थे। डॉक्टर साहब यहाँ पे कुछ बच्चे चोट खाए हुए दिख रहे हैं, मामला क्या है, क्या मैटर है इसमें? देखो मारपीट का मैटर है, स्कूल से संबंधित कुछ मैटर है मारपीट का। 2 बच्चे जो कि थाना जगदीशपुर के हैं और एक मोहनगंज थाने का है, मारपीट हुई है इन लोग की।
बच्चों में आपस में किसी कारण। इसके बाद उन तीनों लोगों का यहाँ मेडिकल किया गया है। इसमें एक बच्चा विजय विक्रम है जिनके जिनको अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा गया है और एक्सरे एडवाइस किया गया है और उसके लिए उनको जिला अस्पताल सुल्तानपुर रेफर किया।